Welcome back students. In previous lecture we discussed about revaluation account and a balance sheet or the transaction when we used to record in a balance sheet. Of course we have to move further in illustration number 10. In this illustration we have to make sure to entries about general entries, which is reserve fund, profit and loss account, debit or credit side. The third is workers profit sharing fund, and the next is वर्कर्स एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड. इसमें हमें क्या करेंगे, हमें जो जनरल एंट्रीज लिखनी है किसके तौर पे, एक तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट या क्रेडिट चेक दिया होगा, अदरवाइज हमें दिया होगा रिजर्व फंड, और हमें दिया होगा वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, एंड या तो फिर दिया होगा वर्कर्स एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड. इससे हमें क्या करना है, हमें जो भी हमारे पास पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अमाउंट में उसके ट्रांजेक्शन की हमें एंट्री देनी पड़ेगी. इट मीन्स हमें जनरल एंट्रीज लिखनी पड़ेगी. तो चलो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10, पेज नंबर 128. राम एंड रहीम आर पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन देम इज 4:3. द फॉलोइंग आर द बैलेंस इन द बुक ऑफ द फर्म एज ऑन 31st March 2017. प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस इज 14,000. रिजर्व फंड इज रुपीज 42,000. वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज 21,000 एंड वर्कर्स एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड इज रुपीज 26,000. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड. इट मीन्स हमारे पास प्रॉफिट एंड शेयरिंग, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास अगर उसकी बैलेंस दी गई है डेबिट साइड में, तो ऑब्वियसली डेबिट है तो उनके कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, डेबिट साइड ही आएगा, क्योंकि उनके लिए क्या होगा, उनकी डेबिट साइड होगी तो हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे. अगर क्रेडिट साइड बताइए भैया तो कैपिटल अकाउंट में हम कहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्योंकि इसकी एंट्री क्या होती है, हमारे पास जो भी पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट में हम उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. द सेकेंड इज रिजर्व फंड. हमारे पास हमने रिजर्व रखा है फंड का, ऑब्वियसली हमने 11th के चैप्टर में 4th में पढ़ा था पार्ट 2 में रिजर्व फंड क्या होता है. तो हम एक फंड को अपने ही अपने बिजनेस में से या प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज प्रोपोर्शन के हिसाब से हम फंड क्या करते हैं, रिजर्व कर देते हैं, क्योंकि हमें बिकॉज ऑफ कि हमें अगर फ्यूचर में हमें कुछ भी इस फंड की नेसेसिटी अगर जरूरत रहती है तो हम उसे यूज कर सकें. थर्ड इज वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड. ये वर्कर्स का प्रॉफिट शेयरिंग फंड है वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है जो कि हमें उन्हें फ्यूचर में देनी रहेगी, तो इसे यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि हमें फ्यूचर में देनी की है, वो क्या है लायबिलिटीज है. लायबिलिटी रहती है वो हम कभी भी इनको प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से या तो फिर हम कह सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में कंसिडर नहीं कर सकते. एंड द फोर्थ इज वर्कर्स एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड. वर्कर्स का अगर हमारे पास बिजनेस में हमारे पास वर्कर्स है उनको अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक्सीडेंट हो गया तो उनको इसकी इस फंड में से हम क्या देंगे, उन्हें फंड देंगे. तो इसके लिए हमने पहले से ही फंड क्या कर रखा है, रिजर्व कर रखा है. तो हम इसे कहेंगे एक्सीडेंट वर्कर्स एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड. तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल एंट्री लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट की, वो हमें क्या बताएंगे डेबिट बैलेंस बताइए. डेबिट बैलेंस मीन्स कि हमारे पास जो पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में क्या होगी, डेबिट होगी, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस. तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास दो यहाँ पे राम एंड रहीम, हम क्या लिखेंगे राम्स, डेट वन लिखेंगे वन राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिटेड. बट हमारे पास कितने हैं 14,000 एंड देयर रेशियो इज 4:3. इनका रेशियो कितना है 4:3. तो 14,000 में हम किस प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे, 4:3. सो 14,000 इंटू 4 अपॉन 7 इज फॉर राम. हम यहाँ क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. राम का रेशियो
14,000 into 3 upon 7. So how many are pass kar sakte hain? 7,000 2 into 2 is equal to 14,000. So 2,000 into 4 is equal to 8,000. And 7 into 2,000 is equal to 40,000 is equal to 6,000. So 8,000 कहाँ पे आएगा? राउंड के कैपिटल अकाउंट में हम उसको क्या लिखेंगे? जनरली लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, क्योंकि उनका शेयरिंग रेशियो कितना है? 4/3. कितना है? 4/3 है. So 4/3 के हिसाब से हम यहाँ पे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा? 8,000 एंड 6,000. राउंड के अकाउंट में आएगा 8,000, रेंट के अकाउंट में आएगा 6,000. नेक्स्ट इज रिजर्व फंड. रिजर्व फंड की हम बात करते हैं तो रिजर्व फंड हम किसे कहते हैं? तो हमने चैप्टर नंबर 4 में बात की थी इन 11th पार्ट 2. तो उसमें रिजर्व फंड हम पहले से ही अपना रिजर्व क्या देते हैं, फंड का रिजर्व कर देते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर में किसी भी लैब टेस्ट को या फिर असर को परचेस करने के लिए या तो फिर कोई भी एक्सीडेंटली और इंसिडेंटली हमारे पास कोई भी जरूरियत रहती है तो उसे हम खर्च कर सकते हैं. सो इसके हम एंट्री क्या करेंगे? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड टू राम एंड रेंज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड. अब हमारे पास फोर्थ है वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड. अब ये तो हमारे पास क्या है? लायबिलिटीज है. लायबिलिटीज को हम कैपिटल अकाउंट में कंसीडर नहीं कर सकते. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिजर्व फंड. क्या लिखेंगे? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड टू राम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड टू रनिंग्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड. रिजर्व फंड के कितने तरीके से हमारे पास? 42,000. कितनी है? 42,000. और 42,000 को भी हम किस प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे? 4/3 में. सो 42,000 इंटू 4/7. यहाँ पे हम क्या करेंगे? 6 × 7,000 = 42,000. सो इज इक्वल टू 24,000. इस प्राइस हमारे पास प्रोपोर्शन राम का आएगा, राइट. एंड हमारे पास बात करते हैं, सॉरी हम यहाँ पे बात करते हैं 14,000 आएगा, क्योंकि 42,000 / 7 में 6,000 आएगा. 6,000 × 4 = 24,000 हम वहां लिखेंगे, राम में लिखेंगे. एंड 42,000 × 3/7 = 6,000. 6,000 × 3 = 18,000. सो 18,000 कहाँ पे आएगा? रेवेन्यू में आएगा. अब यहाँ पे रिजर्व फंड डेबिट क्यों होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों? तो कैपिटल अकाउंट इसलिए क्रेडिट होगा कि हमें वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? वो पार्टनर्स को देना है, क्योंकि हमने फंड रखा था. बट वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स में मिलेगा, क्योंकि उनके लिए बचा के रखा था. और हम किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एंड ऑफ द ईयर उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उन्हें रुपए मिलने वाले हैं आपके. नेक्स्ट इज वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड. वो क्या है? हमारे लिए लायबिलिटी है, तो हम कैपिटल अकाउंट कंसिडर नहीं करेंगे. एंड द लास्ट इज वर्कर्स एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड. वर्कर्स एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड हम पहले भी बात की थी. हमारे पास किसी एक्सीडेंट हो जाता है उसी वर्क के पहले से, तो हमें क्या करना रहेगा? वो हमें जो फंड बचा के रखा है तो हम उनमें से देते रहेंगे. बट हमारे पास यहाँ पे क्या बोला है कि इन द अबो डेट राम एंड रहीम डिसाइडेड टू अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/1. अ क्लेम ऑफ दिस 5,000 इज आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द वर्कर्स एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड. हमारे पास कंपोजिशन फंड कितना था? 26,000 था. कितना था? 26,000. कितना था हमारे पास? 26,000 वर्कर्स एक्सीडेंट फंड, वो था 26,000. अब उसमें से हमारे पास बोला है कि 5,000 क्या थे? आउटस्टैंडिंग थे. 5,000 क्या है? आउटस्टैंडिंग. हमारे पास 26,000 क्या थे? वर्कर्स एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड थे 26,000. और वो तो हमारे पास किस पे बैलेंस दी गई है? बैलेंस शीट में बैलेंस दी गई है, ठीक है. और वो भी कौन सी डेट के? 31st month 2017, एंड ऑफ द ईयर के. बट उसमें से हमने 5,000 रुपए हमें जो पे करने के थे अभी हमने पे नहीं किए हैं. सो इट्स क्या होगा? आउटस्टैंडिंग हो जाएगा. हमारे पास एक्चुअल में कितने रुपए बैलेंस बचे होगी? 21,000 इस ईयर में कंसिडर करेंगे, 5,000 आउटस्टैंडिंग में हमें कंसिडर कर ली जाती है. हमारे पास इस साल की है, करंट ईयर की है. 21,000 का हमें एंट्री देंगे, ना कि
26,000 के. So 21,000 के rent का देंगे, वो हम किसे distribute करेंगे? Obviously profit. So यहाँ partners के capital account में तो लिखेंगे workers accident composition fund account debited to Ram's account credited, so capital account credited, and to Rahim's capital account credited. कितने रुपए हमारे पास? 21,000. हम यहाँ पे कंसीडर 21,000 करेंगे, नॉट 26,000, क्योंकि 5,000 हमारे पास क्या है? आउटस्टैंडिंग है. सो 21,000 को हम किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ऑब्वियसली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4/3 में. सो 21,000 इनटू 4 राम का शेयर है, तो 7 × 3 इज इक्वल टू 21,000. सो 3,000 × 4,000 = 12,000 कहाँ पे आएगा? राम के अकाउंट में. एंड 9,000 कहाँ पे आएगा? रेंस के अकाउंट में. सो ये होगी हमारी जनरल एंट्रीज, बेसिक एंट्रीज. फिर से रिवर्स करता हूँ, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, हमारे पास डेबिट बैलेंस देखिए, इसमें हमारे पास डेबिट बैलेंस हम कहाँ पे कंसिडर करेंगे? कैपिटल अकाउंट में हमारे पास एंट्री आएगी, क्योंकि हमें जो एंट्रीज देनी है वो कैपिटल अकाउंट में देनी रहती है. हम कंसिडर किसे करते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को. पार्टनर्स को हमें क्या देना होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है. सो डेबिट बैलेंस रहेगी तो ऑब्वियसली राम राइट के कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट ही होगा. सो राम राइट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिटेड. नेक्स्ट इज रिजर्व फंड. वो हमारे पास पहले से रिजर्व रखा था प्रॉफिट में से, हमने पहले से साइड में रखा था, ठीक है. अब वो हम किसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स को देंगे, तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या होगा? ऑब्वियसली क्रेडिट होगा. सो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड टू राम राइट कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड इन प्रोपोर्शन 4/3. याद रखना जो हमारे पास ऑलरेडी शेयर होगा उसमें प्रोपोर्शन, उस प्रोपोर्शन की सब हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. एंड द थर्ड इज वर्कर्स एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड अकाउंट डेबिटेड 21,000. 26,000 का एक्चुअल में 5,000 कौन सा था? इस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था. तो राम से कैपिटल, सो राम एंड बैंक अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड इन 12,000 एंड 9,000 रिस्पेक्टिवली इन प्रोपोर्शन ऑफ 4/3. ये हुई हमारी बात जनरल एंट्रीज की. नेक्स्ट हम इलस्ट्रेशन नंबर पढ़ेंगे 11, जो कि इसमें हमारे पास आएगा. एक तो बनाने रहेंगे जनरल एंट्रीज हमें लिखती रहेंगी, देन आफ्टर हमें उसके ऊपर से क्या प्रिपेयर करना रहेगा? रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना रहेगा. हमारे पास उसमें रिजर्व फंड भी दिया होगा एंड हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस सेलिंग भी रेशियो दिया होगा, जो कि हमें प्रपोजल के हिसाब से हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा. एंड देन आफ्टर वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस शीट. स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 11, मून बेस नंबर 130. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट सम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर अ रिवोल्यूशन अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट आफ्टर द इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन इन द बुक ऑफ राजेश एंड जगदीश. राजेश एंड जगदीश आर द पार्टनर शेयरिंग रेशियो. Profit and loss in the ratio of 3/2. Balance sheet of the firm as on 31st March 2017 is as below. हमारे पास यहाँ पे balance sheet दी गई है. So सबसे पहले हम liability side देखते हैं. Capital account Rajesh 1,50,000, Jagdish 60,000 is equal to 2 lakhs. General reserve is 10,000. Profit and loss account 15,000. Creditors 95,000, total is equal to 3,20,000. Land and building is 1 lakh. Machinery is 80,000. Furniture is 20,000. Investment in bracket market value is 25,000, but in amount it can show that 30,000. Debtors 60,000 less bad debts reserve 3,000. Total is equal to 57,000. Stock 23,000. Cash balance is rupees 10,000. And here they so they give us a particular adjustments. Partners have decided for the evaluation of assets and liabilities of the firm at the future profit distribution ratio is 1/1. Information for the same is under
land building value is to be increased by 20%. The value of machinery and furniture is to be decreased by 20%. Now bad debts reserve is not required. ₹3,000 preparing expense is required in book. Stock and amount of ₹5,000 among creditors is now to be paid, not to be paid, and which is to be recorded. Outstanding expense ₹6,000 and income receivable ₹8,000, and the last is investment is to be shown at the market value. First of all, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने 11 से हमारे पास systematic हमारे पास formula है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, consider करेंगे सबसे पहले adjustment को. तो हमारे पास सबसे पहले adjustment कौन सा है, land building value is to be increased by 20%. हमारे पास land and building increase हुई है 20% के. मींस लैंड एंड बिल्डिंग में 20% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है. आगे हमें सीधा लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है बाय 20%. तो हमें 20% के हिसाब से हमें यहां पे कंसीडर करना रहेगा. तो लैंड एंड बिल्डिंग हम देखते हैं, सबसे पहले बैलेंस शीट में कितनी बताई गई है, तो 1 लाख है. ठीक है, तो 1 लाख का 20% कितना होगा, ऑब्वियसली 20,000 होगा. तो 20,000 हमारे पास यहां पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है. मींस ये 1 लाख लैंड बिल्डिंग में इंक्रीज हुआ 20%. तो अब हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग कितनी हो गई है, 1,20,000 की हो गई है. तो हम यहाँ पे 20,000 की इफेक्ट देंगे. हमने पहले बोला बताया था कि रिवोल्यूशन अकाउंट में जितने का डिफरेंस आएगा, जो इफेक्ट रहेगी, हम उसको कंसिडर करेंगे. सो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, असेट्स में हमारे पास अगर इंक्रीज होगा तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, अगर डिक्रीज होगा तो हम आपको बताएंगे डेबिट साइड बताएंगे. वैसे यहाँ पे हम रिवर्स करें, हमारे पास लायबिलिटीज है उसमें इंक्रीज रहेगा तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे. रिवोल्यूशन अकाउंट में हमारे पास अगर जो लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिटेड. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिटेड ₹20,000. ठीक है, अब हम इसकी जरूरत इंटरेस्ट की भी साथ में ही हम क्या पे इफेक्ट देंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट में भी देंगे और बैलेंस शीट में भी देंगे. क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बनाना कहा गया, बनाने का बैलेंस शीट बनाने के लिए रिवोल्यूशन अकाउंट के तौर पे. तो हम यहाँ पे देखो रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट होगा, हम कहा लिखेंगे क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लैंड सॉरी बाय लैंड बिल्डिंग अकाउंट ₹20,000. अब नेक्स्ट एंट्री हम आप देंगे बैलेंस शीट में, कहां पे असेट्स है, क्योंकि हमारे पास लैंड बिल्डिंग के असेट है. तो क्या लिखेंगे यहां पे, लैंड बिल्डिंग ₹1 लाख प्लस इंक्रीज कितनी परसेंट में, 20%. तो लिखेंगे 20% प्लस कितना लिखेंगे, 12 लाख 1,20,000. राइट, हम यहाँ पे तीनों अकाउंट में एक जनरल इंटरेस्ट में इफेक्ट देंगे, दूसरे में देंगे रिवोल्यूशन अकाउंट में, थर्ड देंगे बैलेंस शीट में. अगर वहां पे बाइफर्केशन करते हैं तो हम साथ ही साथ यहाँ पे इंटरेस्ट देते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय आ गया जाके कोई भूल ना हो. ठीक है, द नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड मशीनरी इज टू बी डिक्रीज बाय 20%. हमारे पास यहाँ पे मशीनरी एंड फर्नीचर की जो वैल्यू है उसमें 20% है और डिक्रीज हुआ. तो सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंस शीट में, हमारे पास मशीनरी कितनी की, 80,000 की. 80,000 में 20% कितना होता है हमारे पास, 16,000. एंड हमारे पास क्या है, फर्नीचर है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20,000. तो 20,000 का हमारे पास 20% कितना होगा, 4,000 होगा. तो हम यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, हमारे पास असेट्स में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ. तो डिक्रीज असेट में हुआ तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. एंड रिस्पेक्टिवली हमारे पास जो भी असेट्स रहेंगे वो हम क्या कहेंगे, क्रेडिट करेंगे. ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट क्या लिखेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, क्रेडिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, क्रेडिटेड
हमारे पास 16,000 हमारे पास 80,000 बैलेंस इन मशीनरी की, उसमें 20% के सब हम कंसीडर करेंगे डिक्रीज तो 16,000 आएगा। एंड हम फर्नीचर की बात करते हैं तो हमारे पास 20,000 का फर्नीचर, उसमें 20% के हिसाब से डिक्रीज कर दो 20,000 इंटू 20% जो 4,000 हमारे पास क्या होगा डिक्रीज होगा। तो 16,000 लिखेंगे हम लिखेंगे मशीनरी में, 4,000 आप लिखेंगे फर्नीचर में, और रिवोल्यूशन अमाउंट कितना लिखेंगे 20,000। दैट 16,000 प्लस 4,000 हमारे पास देखो रिवोल्यूशन अमाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। हम क्या लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट 16,000 एंड 4,000। फिर से रिवाइज कर दूं, हम हमारे पास रिवोल्यूशन अकाउंट यहां पे डेबिट और डेबिट से लिखेंगे, बट रिवोल्यूशन अकाउंट में रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं लिख सकते, एक ही अकाउंट में उसका नाम नहीं आता। हम क्या लिखेंगे मशीनरी अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट, तो हमारे पास 16,000 एंड 4,000 क्या आएगा रिस्पेक्टिवली हमारे पास रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट रहे। हम इसकी फिर कहां पे देंगे असेट्स है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हमारे पास था मशीनरी, मशीनरी यहां पे लिखते हैं मशीनरी कितने की थी 80,000 कितने की थी 80,000 की थी। यहां पे क्या हुआ डिक्रीज हुआ है कितने परसेंट के हिसाब से 20%, तो 80,000 का 20% 16,000 हमारे पास बाकी कितना रहेगा 64,000 कितना रहेगा 64,000। एंड दूसरे हमारे पास क्या था फर्नीचर, कितने का था फर्नीचर 20,000 का था, कितने का था 20,000 का, उसमें भी लेस करेंगे डिक्रीज करेंगे डिक्रीज हुआ है तो 20% के हिसाब से तो कितना होगा 4,000, टोटल अमाउंट कितना लिखेंगे 16,000। इतना ये हमारी बेसिक एंट्री हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, नाउ बैड डेब्ट्स रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड। अब हम देखना पड़ेगा बैलेंस शीट में बैड डेब्ट्स कहां पे आता है, तो हम बात करेंगे डेटर्स में आते हैं। डेटर्स हमारे पास बोले गए हैं रुपीस 60,000 एंड बैड डेब्ट्स बोले गए हैं रुपीस 3,000 लेस का हुआ है। तो हमने पहले बैड डेब्ट्स रखा था तो हमारे पास क्या होगा वो लॉस रहा होगा, बट हमें वो अब रिक्वायर्ड नहीं है, हमें वो रखने की जरूरत नहीं, तो हमारे पास क्या होगा अभी गेन होगा। तो हम गेन होगा तो हम क्या करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, तो हम कहां पे एंट्री लिखेंगे सबसे पहले सेंटर में लिखेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिटेड। अब मैं फिर से बात कर रहा हूं बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिटेड, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिटेड क्यों किया क्योंकि हमारे पास यहां पहले मुझे 3000 मैंने क्या रखा था रिजर्व रखा था बैड डेब्ट्स के तौर पे, बट अब तो मुझे रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रुपए मिल जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा जो मैंने लेस किए थे वो मैं क्या करूंगा वहां से हटा दूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पे कितने बैड डेब्ट्स हमारे पास रुपीस 3000 के, हम यहां पे लिखेंगे बैड डेब्ट्स रिजर्व अकाउंट 3000 है 3000 के लिए हम यहां पे। ठीक है, अब हमारे पास रिवोल्यूशन अकाउंट का तो क्रेडिट का, तो हम यहां पे लिखेंगे बाय बैड डेब्ट्स रिजर्व अकाउंट रुपीस 3000। अब वो हमें एंट्री कहां पे देनी रहेगी, तो ऑब्वियसली हमें एंट्री देनी रहेगी क्या कहते हैं बैलेंस शीट में। तो हम यहां पे कितने के डेटर्स लिखाएंगे रुपीस हमारे पास डेटर्स हैं रुपीस 60,000 के, अब हम बैड डेब्ट्स लिखने की जरूरत नहीं, तो हम 60,000 के यहां पे क्या लिख देंगे डेटर्स लिख देंगे, कितने लिख देंगे डेटर्स रुपीस 60,000। अब यहाँ पे हमारे पास बोला गया था बैलेंस शीट में कि 60,000 लेस बैड डेब्ट्स रिजर्व 3,000, अब हमें बैड डेब्ट 3,000 यहाँ पे कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है, तो हम कितना लिखेंगे 60,000 यहाँ पे सीधे सीधा लिख देंगे। राइट, नेक्स्ट इज रुपीज 3,000 रिपेयरिंग एक्सपेंस इन रिक्वायर्ड इन स्टॉक। हमारे पास स्टॉक कितने का है 23,000 का है, उसमें हमें 3,000 का क्या है हमारे पास एक्सपेंस है रिपेयरिंग का एक्सपेंस है, तो ऑब्वियसली एक्सपेंस सपोज हमारे पास अभी ये पेन है और पेन में मुझे एक्सपेंस लग रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। हमारे पास असेट में क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है रुपीज 3,000 को, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे असेट डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे, एंड स्टॉक क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, तो हम क्या करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट क्रेडिटेड रुपीज 3,000। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ स्टॉक डिक्रीज हुआ 3,000 के हिसाब से एक्सपेंस है उसमें, तो रिवैल्यूएशन क्या हुआ डेबिट हुआ, तो क्या करेंगे टू
स्टॉक अकाउंट रुपीज 3000। अब एंट्री में कहां करेंगे, असेट्स में रिसल्ट देखेंगे, हमारे पास स्टॉक कितने का आ गया, तो हम बात करें स्टॉक हमारे पास था रुपीज 23000। उसमें से हमें क्या हुआ, रिपेयर एक्सपेंस लगाए, कितना लगाया, तो इसमें से स्टॉक 23000 का था, उसमें एक्सपेंस लगाया हम उसमें प्लस नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हमारे पास कॉस्ट बढ़ जाएगी, बट हमने यहां पे क्या करते हैं उसकी वैल्यू कम कर दी 3000 के हिसाब से, 23000 माइनस 3000 इज इक्वल टू अमाउंट लिखेंगे 20000। नेक्स्ट इज एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5000 अमाउंट क्रेडिटर्स इज नाउ नॉट टू बी पेड व्हिच इज टू बी रिकॉर्डेड। हमें यहां पे रुपीज 5000 है वो हमें क्रेडिटर को देने नहीं है, अभी पहले हमें क्रेडिटर सपोज मान लेते हैं हमारे पास क्रेडिटर कितने के हैं, तो 95000 के थे, अब उसमें से हमें 5000 के क्रेडिटर्स को रुपए पे करने की जरूरत नहीं, तो हमें कितने पे करने पड़ेंगे, बोलो बोलो कितने पे करने पड़ेंगे, 90000। 5000 में यहां पे क्या हुआ, लायबिलिटीज क्या हुई, डिक्रीज हुई, लायबिलिटीज डिक्रीज से तो रिवैल्यूएशन पर क्या रहता है ऑलवेज क्रेडिट रहता है, तो क्या क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, सॉरी क्रेडिटेड टू इज 5000 क्योंकि हमारे पास यहां पर क्या डिक्रीज हुआ है लायबिलिटीज, अब हमारे पास रिवैल्यूएशन पर क्या हुआ क्रेडिट हुआ, हम क्या लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट रुपीज 5000। अब हम एंट्री कहां करेंगे, वो क्रेडिटर्स कहां में आएंगे, ऑब्वियसली लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स किसे कहेंगे, अगर आप मेरे ऊपर रुपए मांग रहे हैं तो आपके लिए मैं क्या करूंगा डेटर्स कहलाऊंगा और मेरे लिए हम क्या कहलाएंगे क्रेडिटर्स कहलाएंगे, तो मुझे आपको 5000 रुपीस देने की जरूरत नहीं है, तो मैं कहां से लिखूंगा आपका अपने लायबिलिटीज में लिखेंगे, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा क्रेडिटर्स रुपीस 95000 के, अब उसके लिए हमें देने की जरूरत नहीं, तो नॉट टू बी पेड ऑफ रुपीस 5000, तो मैं कितने पे करने के रहेंगे सिर्फ और सिर्फ 9000 में, 95000 के थे उसमें से 5000 को हमें पे करने की जरूरत नहीं है, तो 5000 रुपीस लेस कर देंगे तो हम कितना पे करना रहेगा हमें सिर्फ 90000 को हम यहां पे दे देंगे। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रुपीस 6000 एंड इनकम रिसीवेबल इज 8000, हमें एक्सपेंस जो था वो आउटस्टैंडिंग है अभी तक हमने देना चाहिए था अभी तक हमने दिया नहीं, तो आउटस्टैंडिंग हमारे पास है तो हम क्या कहेंगे उसे लायबिलिटीज कहेंगे, लायबिलिटीज को लेस करेंगे रिवेन्यू फ्रॉम क्या रहता है डेबिट, तो हम क्रेडिट क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, कितना रुपीस कितना हमारे पास रुपीज 6000, क्या होता है रुपीज 6000। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट कितने के रहेंगे 6000, तो आउटस्टैंडिंग में हमारे क्या रहेगा लायबिलिटीज रहेगी, तो हम कहां लिखेंगे यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रुपीज 6000। नेक्स्ट इज इनकम रिसीवेबल ऑफ रुपीज 8000, हमें इनकम रिसीवेबल होने वाली थी पर अब तक हुई नहीं, तो हमारे क्या करेंगे असेट्स कहलाएंगे, तो हम असेट्स पे लिखेंगे, बट हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना पड़ेगा, मिल रहा है तो हम लिख असेट यहां पे और इंक्रीज हो रही है, क्या करेंगे हम यहां पे सबसे पहले लिखेंगे क्या बोले इनकम रिसीवेबल अकाउंट इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिटेड विद रुपीज 8000। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है क्रेडिट हो रहा है, क्या लिखेंगे बाय इनकम रिसीवेबल अकाउंट रुपीज 8000 एंड हमारे पास क्या मिलने वाले हम यहां पे लिखेंगे इनकम रिसीवेबल रुपीज 8000 ठीक है, कितना आएगा रुपीज 8000। एंड आवर लास्ट एडजस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट इज टू बी सोन एट मार्केट वैल्यू, अब हमें देखना रहेगा बैलेंस में हमारे पास इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में बोला गया है इन्वेस्टमेंट के बाजू में लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू इज 25000 एंड अमाउंट में लिखा हुआ है बुक वैल्यू कितनी है हमारे पास
30,000 है. सो हमारे यहाँ पे कंसीडर कौन सा करना है, मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू 30,000 से 25,000 कम रहता है फिर ज्यादा रहता है. ऑब्वियसली आपका इनकम कम रहता है तो 25,000 आप कंसीडर करेंगे तो 30,000 में से कितने हो गए 25,000 हो गए. तो 5,000 में यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ. लॉस हुआ तो रिवेल्यूशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा. एंड हमारे पास इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट विथ रुपीज 5,000. क्योंकि 30,000 में से हमें कंसिडर कितने करेंगे, मार्केट वैल्यू 25,000 में कंसिडर कितना करेंगे 5,000. तो हम यहाँ पे डेबिट अगर क्या करेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट रुपीज 5,000. अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, असेट्स में करते हैं, बुरा लगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट कितने का रुपीज 30,000 है. यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ क्योंकि मार्केट वैल्यू कितनी बोली गई है 25,000 बोली गई है. मार्केट वैल्यू कितनी बोली गई है 25,000 को हम उससे कंसिडर करेंगे तो 5,000 का लॉस होगा. डिक्रीज हुआ तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 30,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 25,000. ये हमारे क्या हो गए, पूरे के पूरे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्लोज करेंगे हमारा रिवेल्यूशन अकाउंट. सबसे पहले रिवेल्यूशन अकाउंट यहाँ पे क्लोज करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, तो हम यहाँ पे टोटल करेंगे 20,000 प्लस 3,000 23,000 प्लस 25,000 प्लस 28,000 प्लस 8,000 इक्वल टू 36,000. ओके, यहाँ पे कितना होगा 36,000. यहाँ पे कितना होगा 16,000 प्लस 4,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 23,000 प्लस 29,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 34,000. हमारे पास यहाँ पे कितना रुपये बचे हैं 2,000. यहाँ पे क्या आ गए, कमा रहे हैं. इट मीन्स हमारे पास क्रेडिट साइड से डेबिट साइड पे माइनस में हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट. प्रॉफिट आएगा 2,000. यहाँ पे कितना हो रहा है 36,000 हो रहा है 36,000. प्रॉफिट हम किसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल अकाउंट में. हमारे पास दोनों पार्टनर्स है राजेश और दूसरा है जगदीश. अब उनका हमारे पास प्रॉफिट कितना है 2,000. कितना प्रॉफिट आ रहा है 2,000. कितना आ रहा है 2,000 को हम किस प्रोपोर्शन में से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमेशा ऑलवेज याद रखना कि हम कंसिडर करेंगे ओल्ड शेयरिंग रेशियो. उनका ओल्ड शेयरिंग रेशियो कितना है 3/2. 2,000 को हम 3/2 में अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2,000 × 3/5. हमारे पास कितना आएगा, राजेश को हमें मिलेगा 1,200. कितना मिलेगा राजेश को 1,200 मिलेगा 1,200. एंड जगदीश को कितना मिलेगा प्रॉफिट 800. तो हमें हमारे पास कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे पार्टनर्स के, तो हम ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हुआ डेबिट हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे क्रेडिट करके उन्हें रुपये मिलने वाले हैं, प्रॉफिट मिलने वाला है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पर्टिकुलर से लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट. राजेश का अमाउंट अकाउंट में कितना लिखेंगे रुपीज 1,200. जगदीश में क्या लिखेंगे 800. तो हम क्या करेंगे, हमें क्या बनाना है कैपिटल अकाउंट बनाना है. तो कैपिटल अकाउंट में उसकी हमारे पास देखो बैलेंस शीट में उनकी हमारे पास बैलेंस बताई गई थी, राजेश की 1,40,000 एंड जगदीश की थी 80,000 सॉरी. तो पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे बाय बैलेंस लिखेंगे. ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिया था बाय बैलेंस, हमारे पास क्या थी बाय बैलेंस हमारे पास थी राजेश की 1,60,000, जगदीश की थी 40,000. कितनी थी 40,000 सॉरी 1,40,000 थी राजेश की एंड 60,000 बैलेंस थी जगदीश की. ओके, अब हमें क्या बताना रहेगा, हमने फिर से कहां पे आते हैं बैलेंस शीट में आते हैं. उसमें हम बता रहे कि जनरल रिजर्व, हमने पहले प्रीवियस समय हमने बात की जनरल रिजर्व किसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एंड दूसरा हमें बोला गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमें बोला गया है डेबिट साइड. इट मींस कि हमारे पास लायबिलिटीज रहती है उनकी ऑलवेज साइड कौन सी रहती है, बैलेंस कौन सी रहती है डेबिट रहती है. तो ये कौन सी साइड रहेगी, डेबिट बैलेंस रहेगी. हम यहाँ पे क्या करेंगे रिजर्व फंड एंड दूसरा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वो भी हम क्या करेंगे यहाँ पे पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे क्योंकि इन दोनों की ऑलवेज बैलेंस की सेंड रहती है, तो ऑलवेज रहती है डेबिट बैलेंस क्योंकि लायबिलिटीज की ऑलवेज बैलेंस रहती है डेबिट. एंड हमारे पास जो असेट्स हम सॉरी क्रेडिट रहती है और जो हमारे पास
असेट्स हम लोग बैलेंस वाइज करेंगे डेबिट पे, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, रिजर्व फंड हमारे पास कितना है टोटल 10,000 है, 10,000 हमारे पास जनरल रिजर्व है, उससे हम 3/2 में क्या करेंगे इसे पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि उनके कौन सा रेशियो है ओल्डर रेशियो है, तो 6,000 किस में आएगा राजस्व मिलेगा, 4,000 किसे मिलेगा जल्दी शुरू मिलेगा, राइट। एंड हमारे पास क्या है प्रॉफिट एंड लॉस, वो कितना हो रहा है 15,000 बताया गया है, कितना बताया गया है 15,000 बताया गया है, 3/2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राजस्व का रेशियो है 3, जगदीश का है 2, तो 15,000 को हम 3/2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना आएगा 9,006,000। अब हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा हमारे पास बैलेंस शीट है और हमारे पास डेबिट साइड पे एंट्री आने वाली है, ये दोनों से क्या करेंगे इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो 60,000 + 4,000 + 6,000 = 70,000 प्लस 70,800 कितना हमारे पास बैलेंस आ गया टोटल क्रेडिट साइड जल्दी से 70,800 यहां पे लिखेंगे 70,800 हमारे पास राजस्व कितनी आ गई 1,40,000 + 6,000 = 1,46,000 + 9,000 = 1,50,000 + 1,200 = 1,50,000 + 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000 = 1,50,000
आएगा 156,200, 156,200 और यहाँ पे कितना लिखेंगे 70,800, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, तो बैलेंस हो क्या होगी, कैरी फॉरवर्ड होगी। सब कैरी फॉरवर्ड होगी तो हम कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में ले जाएंगे, क्योंकि वन बाय वन स्टेप के हिसाब से हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैपिटल। हमारे पास सबसे पहला कौन है, राजेश, फिर है जगदीश, ये हमारे पास 156,200 प्लस 70,800, तो टोटल मिला के हमारे पास कितनी हो रही है, दोनों की हम बात करते हैं, हमारे पास टोटल कितना हो गया, 156,200 प्लस 70,800 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, या फिर हम क्या करते हैं, 2,800 तो फिर सीधा बाहर लिख देते हैं, 156,200 प्लस 70,800 लिख देते हैं हम यहां पे, 70,800 बाहर लिखेंगे फिर भी चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा हुआ है, जनरल रिजर्व आ गया, बैलेंस शीट में लिखते हैं लायबिलिटी से, जनरल रिजर्व आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस भी आ गया, क्रेडिटर्स भी आ गए, हमारे पास यहां पे कोई भी एंट्री देने की बाकी नहीं है, ठीक है। क्रेडिटर्स आ गए, आउटस्टैंडिंग हमारे पास क्या आ गया, एक्सपेंस भी आ गया, देने का जो बाकी रहता था वो हमारे पास लायबिलिटी का। अगर हम देखते हैं असेट्स साइड, तो असेट्स से हमारे पास लैंड बिल्डिंग आ गई, आ गई मशीनरी आ गई, आ गई फर्नीचर आ गया, आ गया इन्वेस्टमेंट आ गया, आ गए डेटर्स आ गए, आ गए स्टॉक आ गया, आ गया इनकम रिसीवेबल आ गई। अब हमारे पास क्या है, कैश बैलेंस क्या बचा हुआ है, कैश बैलेंस कितना है, 10,000 रुपए, हम क्या लिखेंगे यहां पे, कैश बैलेंस कितना लिखेंगे, 10,000। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे पूरा पूरा अकाउंट क्रॉस कर देंगे, सो 120,000 प्लस 64,000 प्लस 16,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 3,23,000 आ रहा है, 3,23,000। हम यहाँ पे डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, सॉरी हम लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, सम करेंगे तो कितना आएगा, 156,000 प्लस 70,800 प्लस 90,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 3,23,000 रुपीस। अब और भी हमारे पास दो एंट्री अभी हमारे पास क्या हो गई है, कंसीडर करने के लिए कि ये एंट्री हमारे पास कौन सी है, हमारे पास प्रॉफिट हमने आपको डिस्ट्रीब्यूट किया है रिवेल्यूशन अकाउंट में, हम उसमें क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, क्या होगा यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू राजेश, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जगदीश, कैपिटल अकाउंट
क्रेडिट है और बस कितना प्रॉफिट आया था 2000 कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें तो 1200 प्लस 800 ये हमारे पास अभी एंट्रीज और हमारा ये हुआ सम यहां पे पूरा तो इस सम में हमें क्या बोला गया है कि सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा तो हम सबसे पहले पूरा का पूरा सम रीड करना है उसके ऊपर से हमें क्या करेंगे कौन सा अमाउंट बनानी है वो हम क्रिएट करेंगे अकाउंट यहां पे हम क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले जनरल एंट्रीज लिखनी है देन आफ्टर हमें क्या बनाना है रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है फिर हमें क्या बनाना है कैपिटल अकाउंट बनाना है देन आफ्टर हमें इफेक्ट देने के बाद हमें बनाना है बैलेंस शीट तो यहां पे याद रखियो कि सबसे पहले जनरल एंट्रीज हमें लिखनी रहेगी जनरल एंट्रीज लिखेंगे इफेक्ट यहां पर आएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट में तो सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट यहां पे क्लोज होगा देन आफ्टर क्लोज होगा कैपिटल अकाउंट इट मींस रिवॉल्यूशन अकाउंट के जो भी ट्रांजैक्शन यहां पे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो लॉस रहेगा तो जब फिर प्रॉफिट रहेगा तो वहां पे इफेक्ट देंगे कैपिटल अकाउंट में एंड देन आफ्टर इसे हम क्लोज करेंगे कैपिटल अकाउंट में यहां पे इफेक्ट देंगे तो हमारा पूरा सम हो जाएगा